हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बढ़िया सी एकदम लाजवाब सी ये साबूदाने की खिचड़ी, जो आप फास्टिंग के टाइम मतलब कि व्रत के टाइम भी खा सकते हो और नॉर्मल भी आप इसे स्नैक्स के टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम फटाफट से, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। अब मैंने ले लिया एक बड़ा बोल का साबूदाना, सफ़ेद साबूदाना है ये, मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी का ये मूँगफली का दाना। अब मैं आपको बताती हूँ आपको साबूदाने का क्या करना है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, मतलब अच्छे से भिगा के रख दिया था, और सुबह इसको अच्छे से धुल लिया है, एकदम साफ़ हो गया है। देख सकते हो आप इसका वाइट वाइट पानी निकल, उसको एकदम अच्छे से धुल लीजिएगा तो आपकी छिटकी हुई खिचड़ी बनेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं पैन की तरफ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 2 बड़ी चम्मच के अकॉर्डिंग ऑयल, 1 चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा को अच्छे से क्रैकल हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने मूंगफली के दानों को, इसे हम अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई में ही लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें सब्जी के लिए आलू भी यूज़ कर सकते हैं, आप आलू डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने नहीं डाला है क्योंकि आलू में थोड़ा सा स्टार्च ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो। इसे हम 2 मिनट के लिए स्टीम में भी डाल देंगे ताकि अच्छे से एकदम सॉफ्ट से एकदम क्रंची से बन जाए। तो हमारी मूंगफली के दाने एकदम हो गए हैं बन करके रेडी। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए हरे मिर्चे और साबूदाना जो हमने अच्छे से भिगा के अच्छे से धुल लिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे लगभग कम से कम 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख दीजिएगा तो आपके एकदम परफेक्ट फूल जाएंगे। डालिए 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और बस। अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा बन करके हो गया है रेडी। कुछ देर पकाने के बाद इस तरह से इसका फ्लेवरिंग आ जाएगी। अभी भी हल्का सा ये कच्चा है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन जूस यूज़ किया है, इससे खट्टापन आता है, चटपटा सा स्वाद आ जाता है, एकदम परफेक्ट लगता है खाने में, एकदम टेस्टी टेस्टी सा। तो इसको हम इस तरह से डाल देते हैं और इसे अब बस 2 लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा ये बन चुका है। धनिया और नींबू एकदम आखिरी में डाला जाता है, एकदम जब आपका ये खिचड़ी बनकर के रेडी हो जाए। एंजॉय।